मित्रों, आज रामनवमी के अवसर पर आदि पुरुष का नया पोस्टर जारी किया गया है। इस पोस्टर को राम दरबार के रूप में दिखाने का प्रयास हुआ है। पोस्टर में प्रभु राम, माता सीता जी, लक्ष्मण जी के साथ साथ सामने हनुमान जी भी विराजमान दिख रहे हैं। पिछली बार की तुलना में इस पोस्टर में थोड़े बहुत परिवर्तन दिख रहे हैं। सबसे पहली बात, हनुमान जी को जो वस्त्र पहनाए गए हैं, उनकी जो धोती है वो भगवा रंग की दिख रही है, और कुल मिलाकर दिखने में उनका जो पूरा स्वरूप है वो थोड़ा ठीक लग रहा है, जबकि टीज़र में उनके वस्त्र श्वेत थे और बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे थे। पोस्टर में माता सीता जी को एक शॉल ओढ़े दिखाया गया है जो दिखने में सही नहीं लग रहा है, और ग्रंथों में वर्णित वेशभूषा के आधार पर भी अनुचित है। माँ ने सदैव साड़ी को धारण किया है, इसीलिए साड़ी भारतीयता की पहचान बन गई है। साड़ी का पल्ला ही उनके सर पर रहा है सदैव। इन सब के अतिरिक्त और कोई बदलाव नहीं दिख रहा है, और इसी बात का संकेत देते हुए आदि पुरुष के डायरेक्टर आशीष म्हात्रे ने आज से कुछ समय पूर्व ही कह दिया था कि हमने कुछ अनुचित तो किया नहीं है, आखिर बदलाव क्या करें। ये लोगों की समस्या है कि वो नयापन स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। मित्रों, डायरेक्टर ओम राउत हों या लेखक मनोज मुंतशिर जी, इनकी निष्ठा और नियत पर हमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन ये बहुत ही निराशाजनक बात है कि इनकी नियत अच्छी होने के पश्चात भी ये लोग वो नहीं बना पाए जिसकी आशा की गई थी। 500 करोड़ के बजट में एक ऐसी ऐतिहासिक फिल्म बनाई जा सकती थी जिसे भारत सहित पूरा विश्व स्मरण रखता, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी जो पोस्टर रिलीज हुआ है या फिर जो टीज़र देखा गया था वो देखकर मन को वो प्रसन्नता नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। इसका कारण है जो प्रभु राम और माता सीता जी का या पूरी रामायण के जितने भी पात्र हैं उनका जो लुक है, उनका जो स्वरूप है, उसके साथ परिवर्तन करना। अब 16 जून की प्रतीक्षा है, देखते हैं क्या होता है।